Hello friends, I think you already know how to find derivative of two functions which are in multiplication. जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ UV rule की. तो I think आप सब लोग ने 12th standard में जरूर UV rule पढ़ा होगा. तो UV rule basically क्या कहता है कि अगर मेरे पास दो function है U and V जो multiplication में है और मुझे UV का derivative लेना हो तो U और V में से किसी भी एक को आप choose कर लीजिए. For example मैंने V को choose किया, तो आप पहले V को बाहर रखिए, U का derivative लीजिए, फिर उसमें add कीजिए U को बाहर रख के V के derivative को. सो फ्रेंड्स, इसे ही हम यू वी रूल कहते हैं. बट अगर मैं आपसे कहूं कि आपको 1000 टाइम यू वी रूल अप्लाई करना है या 2000 टाइम यू वी रूल अप्लाई करना है, तब आप इसे कैसे करेंगे? तो मैनुअली अगर आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो काफ़ी लेंथी हो जाएगा. तो क्या कोई ऐसा कोई शॉर्टकट फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है जिसमें सिर्फ आप एन की वैल्यू पुट कीजिए और आपको एन टाइम के यू वी रूल का आंसर मिल जाए? तो इसका आंसर है फ्रेंड्स, यस, ऐसा फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है जिसे हम लेबनिट्स थ्योरम कहते हैं. सो आइए देखते हैं उस लेबनिट्स थ्योरम को जिसके जरिए हम एंथ डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं यू वी का. ठीक है, तो यू और वी क्या है, दोनों ही फंक्शन है गिवन वेरिएबल सपोज एक्स के. सो फ्रेंड्स, आपको ये जान के हैरानी होगी कि यू वी रूल जो है इसे अगर मैं एंथ टाइम तक एक्सटेंड करूं तो ये बेसिकली परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन बन जाता है. तो आइए देखते हैं इस एनालिसिस को. सो फ्रेंड्स, अब मैं यू वी का वन टाइम एंड टू टाइम डेरिवेटिव लूंगा, फिर आपको बताऊंगा कैसे इसे हम एक्सटेंड कर सकते हैं परम्यूटेशन के क्वेश्चन में. सो सपोज मेरे पास दो फंक्शंस हैं u एंड v और उनके मल्टीप्लीकेशन का मुझे डेरिवेटिव फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू x. ओके, बिकॉज u एंड v आर फंक्शंस ऑफ x, इट इज गिवन. ओके, सो यहाँ पर अगर मैं u v का डेरिवेटिव फाइंड करूँ तो अकॉर्डिंग टू u रूल इसका आंसर क्या होगा, u को आप बाहर रखिए एंड v का डेरिवेटिव लीजिए, देन v को बाहर रखिए एंड u का डेरिवेटिव लीजिए. सो इसे मैं फ्रेंड्स कुछ इस तरह लिख सकता हूँ कि u का एक भी बार डेरिवेटिव नहीं हुआ, मैं एक नोटेशन दे रहा हूँ, और v का वन टाइम डेरिवेटिव हुआ, देन v को मैंने बाहर रखा है, सो दिस इज v. ओके, सो v का वन एक भी बार डेरिवेटिव नहीं हुआ एंड u का वन टाइम डेरिवेटिव हुआ. तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, मैंने एक नोटेशन दिया है कि अगर किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव नहीं हुआ है तो उसके सफिक्स में मैं जीरो से डिनोट कर रहा हूँ, और अगर किसी फंक्शन का एंड टाइम डेरिवेटिव हुआ है तो उसके सफिक्स में मैं एंड रिप्रेजेंट करूंगा. जैसे यहाँ पे v का वन टाइम हुआ है तो मैंने यहाँ पे वन रिप्रेजेंट किया. ओके, सो लेट दिस इज इक्वेशन नंबर वन. ध्यान से देखिएगा, काफी यूजफुल ऑब्जर्वेशन है. अब मैं फ्रेंड यू वी का टू टाइम्स डेरिवेटिव लूंगा, यानी अगर मैं सेकेंड टाइम डेरिवेटिव लू यू वी का तो मुझे इस एक्सप्रेशन का अगेन डेरिवेटिव कैलकुलेट करना होगा. सो क्या आंसर आएगा इसका, डेरिवेटिव ऑफ यू नॉट वी वन प्लस डेरिवेटिव ऑफ वी नॉट यू वन. ध्यान से देखिएगा, वन टाइम डेरिवेटिव का आंसर ये है, इसलिए अगर मैं सेकेंड टाइम डेरिवेटिव लूँ तो मुझे इस एक्सप्रेशन का डेरिवेटिव लेना होगा. तो इस एक्सप्रेशन का डेरिवेटिव क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ दिस प्लस डेरिवेटिव ऑफ दिस, जो इसको मैंने यहाँ पर लिखा है. ठीक है, सो अब मैं इंडिविजुअली ये दोनों के डेरिवेटिव को कैलकुलेट करूंगा. सो डेरिवेटिव ऑफ यू नॉट वी वन विल बी इक्वल टू, अब यू नॉट को मैं बाहर ले लेता हूँ तो वी वन का एक बार और डेरिवेटिव लूंगा तो क्या होगा, वी टू. यहाँ पर मैं फिर से यू वी रूल लगा रहा हूँ, तो एक काम करता हूँ, मैं आपको यहाँ पे कैलकुलेट करके दिखाता हूँ. ठीक है, सो यू नॉट को मैंने बाहर रखा, फिर मैं वी वन का डेरिवेटिव लूंगा, फिर मैं वी वन को बाहर रखूंगा एंड यू नॉट का डेरिवेटिव लूंगा. ध्यान से आप यहाँ देखना कि यहाँ पे जीरो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यू का एक भी बार डेरिवेटिव अभी तक नहीं हुआ है. सो फ्रेंड्स, अगर वी का वन टाइम डेरिवेटिव हो चुका है तो एक बार और डेरिवेटिव लेने में वी का कितनी टाइम डेरिवेटिव होगा, सेकेंड टाइम. तो डेरिवेटिव ऑफ वी वन विल बी वी टू, और यहाँ पे यू नॉट एज इट इज. देन फ्रेंड्स, v1 को मैं एज इट इज लिखूंगा, और u0 का अगर मैं एक बार डेरिवेटिव लेता हूँ तो u0 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, u1 में. क्यों? क्योंकि यहाँ पे 1 रिप्रेजेंट कर रहा है u का कितनी बार डेरिवेटिव हुआ है. तो अगर u का एक भी बार डेरिवेटिव नहीं हुआ था तो एक बार डेरिवेटिव लेने पे u0 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, u1 में. मुझे लग रहा है आप नोटेशन को समझ रहे हैं यहाँ पर. सो अब इसके बाद मैं डेरिवेटिव लूंगा v0 u1 का. सो डेरिवेटिव ऑफ v0 u1 विल बी इक्वल टू व्हाट, आप v0 को बाहर ले लीजिए, फिर डेरिवेटिव लीजिए u1 का, फिर आप u1 को बाहर ले लीजिए और डेरिवेटिव लीजिए v0 का. सो फ्रेंड्स, इसका आंसर क्या होगा, v0 u2, बिकॉज u1 का एक टाइम डेरिवेटिव हो चुका है तो एक बार और लेने पे आंसर क्या आएगा, u2, देन प्लस u1, और v0 का एक बार डेरिवेटिव लूंगा तो क्या हो जाएगा, वो v1. ठीक है, सो अब मुझे क्या करना है, इसे और इसे ऐड करना है, यहाँ पुट करना है, इसलिए मैं लिख सकता हूँ सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ यू वी विल बी इक्वल टू दिस प्लस दिस. ओके, सो अगर आप ध्यान से देखेंगे u1 v1, यहाँ पे भी u1 v1 है, तो मुझे क्या मिलेगा, ट्वाइस ऑफ u1 v1 प्लस u0 v2 प्लस v0
u2. सो ये फाइनल आंसर है सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ यू वी. अब मैं इसके बाद जो ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसे आप ध्यान से देखिएगा. सो फ्रेंड्स, हमने देखा कि फर्स्ट एंड सेकेंड डेरिवेटिव का एक्सप्रेशन क्या होता है. सो यहाँ पर मैंने जस्ट अभी फर्स्ट डेरिवेटिव का एक्सप्रेशन ये निकाला था और सेकेंड डेरिवेटिव का एक्सप्रेशन ये निकाला था. बट ऐसे ही फ्रेंड्स, अगर मुझे थर्ड टाइम फोर्थ टाइम डेरिवेटिव देना हो तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा. तो क्या हम कोई ऐसा फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं क्या? तो यस, हम कर सकते हैं. उसके लिए हमें एक परमुटेशन का ऑब्जर्वेशन देखना होगा. ध्यान से देखिएगा, सपोज यू और वी, ये जो दो फंक्शन थे, इन्हें मुझे अरेंज करना है एक प्लेस पर, ठीक है. सो मैं कितने तरीके से कर पाऊंगा? दो तरीकों से, या तो फर्स्ट प्लेस पे वी होगा या तो फर्स्ट प्लेस पे यू होगा, ठीक है फ्रेंड्स. अब मान लीजिए कि मेरे पास दो प्लेस हैं, तो मैं यू और वी को कितने तरीके से अरेंज कर सकता हूँ? यू और वी को मैं डुप्लीकेट कर सकता हूँ, ठीक है. तो एक तो तरीका है कि दोनों ही प्लेस पे वी को प्लेस कर दिया जाए, या तो फर्स्ट प्लेस पे वी को प्लेस किया जाए, दूसरे पे यू को प्लेस किया जाए, या तो फर्स्ट पे यू को प्लेस कर दिया जाए, दूसरे पे वी को कर दिया जाए, और एक कौन सा फ्रेंड्स तरीका होगा? दोनों पे यू को किया जाए, ठीक है. अब इसके बाद जो मैं आपको बता रहा हूँ ध्यान से देखिएगा, अब ये जो प्लेस है ना, इसका फंक्शन है कि अगर इस प्लेस पे कोई भी फंक्शन आता है तो वो इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट कर लेगा. यानी कि अगर कोई फंक्शन इस प्लेस पे दो बार आता है तो उस फंक्शन का दो टाइम डेरिवेटिव कैलकुलेट हो जाएगा. इस ऑब्जर्वेशन से जो रिजल्ट आएगा वो काफी यूजफुल और इंटरेस्टिंग होगा. आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर देखिए केस नंबर वन में वी वन टाइम अपियर हुआ है, इसलिए इसका रिजल्ट होगा वी का वन टाइम डेरिवेटिव और यू का एक भी बार नहीं. और यहाँ पर मैं इसे थोड़ा सा अच्छे से लिखता हूँ. ध्यान से देखिए, यू का एक भी बार डेरिवेटिव नहीं हुआ और वी का वन टाइम डेरिवेटिव हो गया, ठीक है. मुझे लग रहा है आप समझ रहे हैं ये प्लेस का फंक्शनैलिटी क्या है. अगर इस प्लेस पे कोई फंक्शन है तो ये उसका डेरिवेटिव कैलकुलेट कर लेगा. तो फ्रेंड्स, यहाँ पर यू इस प्लेस पे है इसलिए यू का वन टाइम डेरिवेटिव हो जाएगा, और वी नहीं है इसलिए वी का एक भी बार डेरिवेटिव नहीं होगा. आपको ये थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा जब यहाँ पे मैं सेकेंड केस में आऊंगा. देखिए, अब ये जो फर्स्ट अरेंजमेंट है इसमें दोनों प्लेस पे वी है, इसलिए फ्रेंड्स v का टू टाइम्स डेरिवेटिव कैलकुलेट हो जाएगा, और u एब्सेंट है इसलिए u का एक भी बार डेरिवेटिव नहीं होगा. अब यहाँ पर आप देखिए, फर्स्ट प्लेस पे v है, सेकंड प्लेस पे u है, इसलिए दोनों का ही एक एक बार डेरिवेटिव यहाँ पर कैलकुलेट हो जाएगा. सिमिलरली फ्रेंड्स, यहाँ पे u, यहाँ पे v है, इसलिए यहाँ पे भी दोनों का एक एक बार डेरिवेटिव कैलकुलेट हो जाएगा. लास्ट केस में फ्रेंड्स, दोनों प्लेस पे u है इसलिए यहाँ पर u का टू टाइम्स होगा डेरिवेटिव कैलकुलेट, और v का एक भी बार नहीं होगा. एक बार फिर से मैं आपको ऑब्जर्वेशन बता दूं, यहाँ पर मेरे पास दो प्लेस थे, मुझे u और v को इस पर अरेंज करना है. अरेंज करने के बाद क्या होगा? u और v जितने बार भी अपियर होंगे अरेंजमेंट में, उनका उतनी टाइम्स डेरिवेटिव कैलकुलेट हो जाएगा. मुझे लग रहा है आपको ऑब्जर्वेशन समझा अच्छे से. अब मैं जो करने आ रहा हूँ उसे आप ध्यान से देखिएगा. अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं फर्स्ट केस में, तो आपको आंसर क्या मिलेगा? यू नॉट वी वन प्लस यू वन वी नॉट. अब यहाँ पर जितने अरेंजमेंट थे उनको सब ऐड कर दीजिए, तो आंसर क्या मिलेगा आपको? यू नॉट वी टू प्लस ट्वाइस ऑफ यू वन वी वन प्लस यू टू वी नॉट. और आप ये देख के हैरान होंगे कि ये जो आंसर है एक्चुअली में ये सेकंड डेरिवेटिव है यू वी का, और ये जो आंसर है ये फर्स्ट डेरिवेटिव है यू वी का. तो कितना इंटरेस्टिंग है नोट करना कि nth टाइम डेरिवेटिव लेना यू वी का क्या मतलब होता है? कि आपके पास n प्लेसेस हैं और आपको u और v को अरेंज करना है उन n प्लेसेस पे, सच दैट कि अगर उस प्लेस पे जितने टाइम फंक्शन मतलब अपियर करेगा उतने टाइम उस फंक्शन का डेरिवेटिव कैलकुलेट हो जाएगा. तो आपको सारे आंसर को सम करना है और यही आंसर होगा nth डेरिवेटिव ऑफ यू वी का. सो क्या मैं इसे जनरलाइज कर सकता हूँ? आंसर है यस. सो उसके लिए आप फिर से ये दो केसेस को देखिए. तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं कुछ इसे इस तरह लिख सकता हूँ कि मेरे पास वन प्लेस था, मैंने किसी भी यू और वी में से किसी एक को रेफरेंस ले लीजिए, ठीक है. तो मैंने वन प्लेस में से जीरो प्लेस चूज किया यू के लिए और वन प्लेस चूज किया वी के लिए. देन फ्रेंड्स, मैंने वन प्लेस में से चूज किया वन प्लेस यू के लिए और कितने प्लेस बचेंगे? जीरो प्लेस वी के लिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्लेस एक ही थे. तो इसी सेम एक्सप्रेशन को मैं कुछ इस तरह लिख सकता हूँ कॉम्बिनेशन के टर्म में. वैसे फ्रेंड्स, यहाँ पर इसे मैं लिख सकता हूँ कि मेरे पास टू प्लेसेस थे, उसमें से मैंने जीरो प्लेस चूज किया किसके लिए? यू के लिए. तो वी के लिए कितना प्लेस बचेगा? टू, क्योंकि टोटल प्लेस टू है, दैट इज वी टू. ओके, देन प्लस टू प्लेसेस में से मैंने चूज किया वन प्लेस यू के लिए, तो वी के लिए कितना प्लेस बचेगा? वन प्लेस. देन फ्रेंड्स, दोनों के दोनों प्लेस में से मैंने चूज कर लिया दोनों का दोनों प्लेस यू के लिए, तो वी के लिए कितना प्लेस बचेगा? जीरो प्लेस, क्योंकि दो ही प्लेस है मेरे पास. और अब आप देखेंगे इसका जो आंसर आएगा वो एग्जैक्टली यही होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो गया? अरेंजमेंट के क्वेश्चन में. सो अगर फ्रेंड्स मेरे पास एन प्लेस है, देखिएगा ध्यान से, अगर मुझसे कोई बोले
कि d बाई डी एक्स रेस टू एन यानी यू वी का nth टाइम डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पे x रेस टू एन आएगा, तो इसका क्या फॉर्मूला बनेगा? तो आप इसे पहले इंटरप्रेट कीजिए, इसका मतलब क्या होता है कि मेरे पास n प्लेसेस हैं, ऐसे करते करते टोटल कितने प्लेसेस हैं, n प्लेसेस, और मुझे u और v को अरेंज करना है इन n प्लेसेस पे, और जब मैं सारे अरेंजमेंट फाइंड कर लूंगा तो हर एक अरेंजमेंट में u और v जितने टाइम्स अपियर होंगे उतने टाइम्स उनका डेरिवेटिव कैलकुलेट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इसका आंसर क्या होगा, मुझे लग रहा है आप बता सकते हैं, देखिए कैसे होगा। तो केस नंबर वन होगा कि n में से जीरो प्लेस मैंने चूज की लिए u के लिए, तो u का एक भी बार टाइम डेरिवेटिव नहीं, तो बचे कितने प्लेस, n प्लेस, तो n टाइम डेरिवेटिव कैलकुलेट हो जाएगा v का। देन फ्रेंड्स n प्लेस में से वन प्लेस चूज किया मैंने u के लिए, फिर v के लिए कितना प्लेस बचेगा, n माइनस वन, क्योंकि टोटल प्लेस n होने चाहिए। देखिए 1n प्लस n माइनस वन कितना होगा, n होगा, तो टोटल प्लस n होने चाहिए, उसमें से आप u को जितना दे रहे हैं उसे छोड़ के जो बचेगा वो v के लिए हो जाएगा, ठीक। वैसे फ्रेंड्स अगर n में से 2 प्लेस में u को दे दूं तो v के लिए कितना प्लेस बचेगा, 2 प्लेस, फिर मैं अगर n में से 3 प्लेस दे दूं u के लिए तो v के लिए प्लेस बचेगा n माइनस 3, और फ्रेंड्स ये चलते जाएगा जब तक मैं n में से n प्लेस नहीं दे दूं u के लिए, तो v के लिए बचेगा 0 प्लेस। तो ये हुआ फ्रेंड्स फॉर्मूला फॉर nth डेरिवेटिव ऑफ u v, और इसे ही कहते हैं हम लेबनिट्स थ्योरम। तो आपने देखा कितना इंटरेस्टिंग था एनालाइज करना nth डेरिवेटिव ऑफ u v रूल को। तो एक बार मैं फिर से आपको समराइज कर दूं कि u v रूल nth टाइम अप्लाई करने का मतलब होता है कि मेरे पास n प्लेसेस है और दो फंक्शंस u एंड v को मुझे अरेंज करना है उन n प्लेसेस पे, तो जो भी पॉसिबल अरेंजमेंट होंगे उनमें जहां जहां u और v जितने टाइम्स अपियर हो रहे हैं उतने टाइम्स उनका डेरिवेटिव कैलकुलेट हो जाएगा, और आप सारे अरेंजमेंट को प्लस कर दीजिए, यही आंसर होगा nth डेरिवेटिव ऑफ u v का। सो फ्रेंड्स आने वाली वीडियोस में हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे लेबनिट्स थ्योरम के ऊपर। थैंक यू सो मच।